अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमारे बारानी इलाका जात के काश्तकार भाई जो गंदम की लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम एक फर्टिलाइजर प्लान आपको बताएंगे डिटेल में, और साथ में होगा फोलियर प्लान। क्योंकि बारानी इलाका जात में बारिशों के ऊपर गंदम नहीं होना होता है, तो अगर बारिशें कम हो तो उसमें एवरेज का थोड़ा सा कमी बेशी हो जाती है, लेकिन ये फर्टिलाइजर प्लान आपको इंशाल्लाह 50 से 60 मन की एवरेज लेके देगा, और इसकी कीमत भी जो टिपिकल फर्टिलाइजर प्लान होता है उससे कम होगी, और यूज करने में भी ये इंतहाई आसान है। उसके अलावा ये जितने फर्टिलाइजर हम आपको बताएंगे या फोलियर बताएंगे, ये आपको आसानी के साथ दस्तियाब भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कोई फर्टिलाइजर बताएं या फोलियर बताएं जो मार्केट से आपको मिल ना सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज का इंतखाब। अब ये जो बीज का इंतखाब हमने करना है बारानी इलाका जात में, जो पिछले 2-3 सालों में सबसे अच्छा रहा बीज, उसके अंदर अरूज, बखर स्टार, फखरे बखर, बुरलाग बहुत अच्छा रहा, पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा, ये वाली वैरायटीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं बारानी इलाका जात में। अब सबसे पहले जब हम बीज का इंतखाब कर लेते हैं तो उसके बाद हमने बीज को ट्रीट करना होता है किसी केमिकल से। उसके लिए एक प्रोडक्ट ये है जो कि जेंगबेंग कंपनी का है, इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसके अंदर डाइफेनाकोनाजोल है, फ्लोडक्सोनिल है और थायमथॉक्सम है, जो आपको आपके बीज को बीमारियों से भी पाक रखेगा और कीड़े मकोड़ों से भी पाक रखेगा। उसके बाद जब हम बीज को ट्रीट कर लेते हैं तो सबसे पहले आती है जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी है जैसे आप लोग करते हैं। उसकी जमीन की तैयारी के साथ जब हम बीज लगाते हैं, अगर वो आप ड्रिल कर रहे हैं या वो आप छटा लगा रहे हैं, तो उसके साथ हम जो खादें डालेंगे उस खाद के अंदर ये चीजें होंगी, ये आप नोट फरमाएं। वोकोजिम पावर प्लस, वोकोजिम पावर प्लस जो है ये एक सी वीड्स हैं जो कि इंतहाई कारामद हैं, खास तौर पर ऐसे इलाकों के लिए जहां पे पानी कम दस्तियाब होता है। क्योंकि ये जो वोकोजिम पावर प्लस है ये तकरीबन 6 केजी की पैकिंग है और 1 एकड़ में इसको हमने डालना है बाकी खादों के साथ। इसकी डिटेल में वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, किसान घर के, वो आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बैग हम लेंगे वोकोजिम पावर प्लस जो कि जाफर एग्रो का है, उसके साथ एक बैग हम लेंगे फॉस्फोरस का जो कि जाफर एग्रो का है 10 केजी में, सोलो फॉस इसको कहते हैं, 17:44। इसमें 17% नाइट्रोजन है और 44% इसमें फास्फोरस है। एक बैग सोलो फास का, एक बैग सोलो प्लांट का। सोलो प्लांट क्या चीज है? सोलो प्लांट में आती है नाइट्रोजन जो कि 13% है, फास्फोरस 2% है और 44% इसमें पोटाश है। एक बैग वोकोजिम, एक बैग सोलो प्लांट, एक बैग सोलो फास, ये सारे जाफर एग्रो के प्रोडक्ट हैं। इसके साथ हम लेंगे एक बैग सल्फर का। सल्फर सिर्फ 1 किलो हम यूज करेंगे बरानी इलाका जात में, क्योंकि बारिशें कम होती हैं और पानी की हमें जरूरत होती है। हम सल्फर को यूज करेंगे जमीन की पीएच लेवल अच्छा करने के लिए। सिर्फ 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो नहीं डालना आपने, सिर्फ सल्फर डालना है आपने 1 किलो। ये टोटल मजमुआ आप डालेंगे। इसके साथ आप एक बैग ले लेंगे कैन गुआरा का, सरसब्ज का कैन गुआरा ले लें या पाक अरब का कैन गुआरा ले लें। ये खादें मिला के आपने जमीन की तैयारी में बीज लगाते वक्त आपने छटा कर देनी है या इसको ड्रिल कर सकते हैं। जो ये पाउडर फॉर्म में खादें हैं, क्रिस्टल फॉर्म में, ये आप छटा कर दें और कैन गुआरा आप ड्रिल भी कर सकते हैं। अब हमने बीज लगा दिया, अब हम वेट करेंगे कि बीज का उगाओ अच्छे तरीके से हो जाए। जैसे ही बीज का उगाओ अच्छे तरीके से होगा तो हमारी फसल के अंदर जड़ी बूटियां पैदा होंगी। जड़ी बूटियां भी पैदा होती हैं। जड़ी बूटियां पैदा होंगी जब, तो जड़ी बूटियां जब 3 से 4 पत्तों की हालत में आ जाएंगी, उस टाइम हम उसके ऊपर ट्राई अल्ट्रा का स्प्रे करेंगे। वो आप जाफर एग्रो का भी होता है बरमूदा के नाम से, स्वात एग्रो का भी होता है ट्राई अल्ट्रा के नाम से, वो हम लेके उसकी स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के 15 दिन हम वेट करेंगे, जब जड़ी बूटियां जल के राख हो जाएंगी उस टाइम फिर हम स्प्रे करेंगे। सबसे पहला स्प्रे जो हम इसके ऊपर करने जा रहे हैं वो होगा स्पीड फॉल पी, जिसके अंदर फास्फोरस होती है, ये स्पीड फॉल पी है। इसके अंदर 12% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस और 14% पोटाश होती है, प्लस ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ये हम एक पैक लेंगे और साथ इसके हेडलैंड मल्टी 150 ग्राम लेंगे। इसका हम स्प्रे करेंगे पहला जब हम जड़ी बूटियों को मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे। इसका स्प्रे करने के बाद हम इंतजार करेंगे 15-20 दिन, 30-25 दिन तक। उसके बाद हम स्प्रे करेंगे स्पीड फॉल एन का।
स्पीडफल एन का हम जब स्प्रे करेंगे, इसके साथ एक एक टैबलेट हम जिबरेलिक एसिड की डालेंगे। जिबरेलिक एसिड की एक टैबलेट डाल के स्पीडफल एन का स्प्रे करेंगे तो हमारी गंदम का कद और टिलरिंग वगैरह ज्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी। जब इसकी टिलिंग वगैरह अच्छी शुरू हो जाए, आपकी जो गंदम है वो अब इस स्टेज के ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 फुट की हो जाएगी ये स्प्रे करने के बाद। उसके बाद हम एक स्प्रे इसको करेंगे MKP का और फर्टीग्रेन का, जो कि इस स्प्रे से 25 दिन के बाद करेंगे। फर्टीग्रेन जाफर एग्रो का 400 ml लेंगे और एक हम लेंगे MKP, वो मैं आपको दिखा नहीं सक रहा। MKP होता है मोनो अमोनियम फास्फेट, मोनो पोटाशियम फास्फेट, उसमें पोटाश भी होती है और फास्फोरस भी होती है। वो हम 1 किलो MKP लेंगे और एक फर्टीग्रेन फोलियर लेंगे 400 ml, और इसका हम एक स्प्रे कर देंगे। अब इस स्प्रे के 25 दिन के बाद जब हमारी गंदम गोब की हालत में आने वाली होती है, उस टाइम हम एक स्प्रे करेंगे स्पीडफॉल सीरियल का। अब स्पीडफॉल सीरियल का हम स्प्रे करेंगे जिससे हमारा सिटा वगैरह जो गोब है, जो बूर निकलता है, वो ज्यादा निकलेगा और ज्यादा पैदावार आएगी और ज्यादा लंबे सिटे निकलेंगे। इसके अंदर जिंक भी होता है और बुरान भी होता है, तो हमें बुरान की जरूरत नहीं है, ये हम स्प्रे करेंगे। उसके अलावा हम थोड़ी सी नजर रखेंगे फसलों के ऊपर, हमारी गंदम की फसल के ऊपर, कि क्या उसके अंदर किसी इंसेक्ट का हमला या कुंगी का हमला तो नहीं है। अगर कुंगी का और इंसेक्ट का हमला होगा तो उसके लिए हम स्वात एग्रो का बंबूसा यूज कर लेंगे, और साथ इंसेक्ट के लिए हम पाइमिको एक स्प्रे होता है जो कि इंसेक्ट के लिए होता है, वो मिला के स्प्रे करेंगे। तो ये एक इंतहाई अच्छा फर्टिलाइजर प्लान है जिसकी कीमत कम बनेगी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किसानगढ़.pk पे ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं प्राइस के साथ, कैलकुलेट करके ये आप ऑर्डर कर सकते हैं, एक साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये आप जाफर एग्रो के या स्वात एग्रो के किसी भी ऑथेंटिक डीलर से लेके यूज भी कर सकते हैं। तो ये एक प्लान है जो कि बारानी इलाका जात के लिए, बारानी काश्तकार दोस्तों के लिए है, जो आप यूज करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। शुक्रिया।